नमस्कार, स्वागत है आपका वीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंचक की शुरुआत के पूर्व कई लोगों ने हवन कर किया गणपति का विसर्जन। भटौली विसर्जन कुंड में व्याप्त व्यवस्थाओं पर जताया रोष। राजन बिल्डर्स के रसल चौक स्थित कार्यालय सहित उनके लगभग एक दर्जन ठिकानों पर आईटी की दबिश। टैक्स चोरी की शिकायत पर हुई कार्यवाही। भोपाल आयकर विभाग एवं जबलपुर की संयुक्त कार्यवाही। लाला लाजपत राय वार्ड स्थित माने गांव में पिछले 10 वर्षों से जल संकट व्याप्त है। 2-3 दिनों में एक बार पानी आता है। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचकर शिकायत की है। लोगों का कहना है कि नए वार्डों से टैक्स तो पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन जन सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 20 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। मानेगांव से आए लोगों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से जल संकट से जूझ रहे हैं। जब से मानेगांव को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, तब से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे मानेगांव लाला लाजपत राय वार्ड जून में आए हुए 10 साल हो गए नगर निगम में, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिलता है। टैक्स हम लोग पूरा देते हैं, लेकिन पानी हमें 15 दिन ही मिलता है। 2 दिन में 1 दिन मिलता है पानी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विगत 10 सालों से मैं बार बार आके यहाँ देता हूँ, कोई कार्रवाई नहीं होती। पानी अभी तक नर्मदा का कोई पानी नहीं आता, टंकी से पानी हम लोग लेते हैं। आए दिन मोटर खराब हो जाते हैं वहाँ के। क्या चाहते पानी मिले? पानी हम लोगों को मिले, जैसे हम लोग टैक्स देते हैं। अदर लोग 2 टाइम पानी मिलता, हमें 1 टाइम मिल जाए पानी, लेकिन पर डे मिले। हम लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, पानी हमें मिलता ही नहीं है, पानी ही ढूंढते रहते हैं। वहीं उखरी से आए लोगों ने उखरी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग की है, और सुदामा नगर से आए व्यक्ति ने योजना शाखा की बदहाली की शिकायत की है। 5 साल पहले मैंने लोडिंग ऑटो उठाया था, उसकी सब्सिडी के लिए भटक रहा हूँ सर, अभी तक मिल नहीं रही। बीच में कोरोना काल पड़ गया, वो बोले अभी बजट नहीं है सरकार के पास। तब से मैं घूम ही रहा हूँ सर, आवेदन यहाँ भी कर रहा हूँ जनसुनवाई में, कलेक्ट्रेट में भी कर रहा हूँ। अब कलेक्ट्रेट वाले बोलते हैं कि यहाँ से कागज़ नहीं पहुँचे हैं, तो यहाँ वाले बोलते हैं यहाँ से सब पहुँच गई पूरी जानकारी। तो मैंने अपने पूरे कागजात सही लगाए थे। कहाँ से आए आप? सुदामा नगर वीर सावरकर वार्ड। कितनी सब्सिडी है आपकी? 60,000 रुपये। बड़ी उठी चौराहा में 2 सिग्नल नहीं है, जिसके कारण डेली शाम से 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक ट्रैफिक लत बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए वहाँ सिग्नल लगाने के लिए अपील करने आया था। क्या परेशानी आ रही है वहाँ पर? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। जनता दरबार में पहुंचे अधिकांश शिकायतकर्ताओं ने अपना दुख दर्द सुनाते हुए कहा कि अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते कार्यवाही नहीं होती है। ग्राम मनकेड़ी से लापता हुए बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही एक मां ने एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बेलखेड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं बताई। मनकेड़ा से आई जानकी बाई ने बताया कि उनका बेटा पिछले 4 महीने से लापता है, उसकी तलाश में वह दर दर की खाक छान रही है और लड़के लाल सिंह को ढूंढ रही है। मां ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। हमरा लड़का को 2 तारीख से मारपीट की है मौना ढमोलन ने और राजा ढमोले ने और गुड्डू और अर्जुन और सौरभ और सुमित। उसी 2 तारीख से हमरे बच्चा को पता नहीं है इसने क्या कर दिया है मौना ढमोलन ने। अभी तक उसका पता नहीं लग रहा? अब 4th महीना लग गया है, पता नहीं है हमारे बच्चा का कुछ कर दिया है उसने, जब तो मिल नहीं रहा। लड़का भी चाहते हैं और का कहते हैं वे ढूंढ भी नहीं रही हैं, और रिपोर्ट भी हम बेलखड़ा थाने 7 बजे गए, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। गौर खमरिया से आए एक दुकान संचालक ने भी अपनी व्यथा बताई। मेरे से खमरिया ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच आए, उनने बोला थोड़ा हमें काम करा दो, तो मैंने उनका काम करना शुरू किया। उनने मेरे को बीच में 10,000 करके अकाउंट में पैसे दिए और 24,200 रुपये दिए। उनने 1,03,000 रुपये का काम कराया, और आज 6 महीने हो रहे, और 1 महीने से मैं जनसुनवाई में CM हेल्पलाइन में 2-2 बार कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और सर सचिव को बोलो पेमेंट का, बोलता आपने जहाँ कंप्लेंट की वहाँ से ले लो। और उनने फर्जी बिल लगा के 2 महीने पहले, जो कि सरपंच की टेपिंग है, बकायदा सरपंच कह रहा 2 महीने पहले हमने भैया प्रिया ट्रेडर्स के नाम से पेमेंट निकाल दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनसुनवाई में 32 शिकायतें आई हैं। तो मामले जो है वो 32 ही मामले आए थे, और जनसुनवाई के मामले जो है आजकल मिक्स तरह के ही मामले होने लगे हैं।
महिलाओं संबंधी डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स के मैटर्स थे जिन्हें भेजा गया, और आई एम होपफुल कि धीरे धीरे ये सारे मामले जो हैं रिजॉल्व होंगे। मैडम, लगातार एक बात सामने आ रही है, थानों में जाते हैं, उनकी एसपी से मुलाकात हो पाती है, थाना प्रभारी से मुलाकात, ऐसे में लोग जनसुनवाई की तरफ कर रहे हैं, तो क्या एक समय नहीं लगता जिस समय जो है थाना प्रभारी और सीएसपी ताकि लोगों की शिकायतों को बढ़ाया जाए? बिल्कुल, जैसे जनसुनवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ ऑफिस में होती है, थाने लेवल पर भी आई एम श्योर कोई ना कोई पैटर्न होगा, तो अगर नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ताकि थाना प्रभारी महोदय 7 दिन में 1 दिन तो जनता को बैठकर उनकी बात सुने ताकि उन्हें इतना दूर ना आना पड़े। जनसुनवाई में आई शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में रामपुर नकटिया गांव से आई एक महिला ने शिकायत दी है कि उनकी जमीन नक्शे से गायब है और वो उसे पाने के लिए लगभग 35 वर्षों से परेशान है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में ग्राम रामपुर नकटिया से आई जानकी बाई ने बताया कि उनकी जमीन नक्शे में से गायब है, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी जमीन 35 साल से गायब है, मैं कई बार आवेदन तहसीलदार के पास दे चुकी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए पहली बार कलेक्टर के पास आई। कहाँ से आप आए? रामपुर नकटिया, जिला जबलपुर, तहसील जबलपुर। क्या समस्या है? समझी जमीन है रामपुर नकटिया। क्या हुआ उसमें? अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। कहाँ से गायब है जमीन? जमीन 2004 से गायब है। इसमें नक्शे में नहीं दिख रही है? हाँ, नक्शे में नहीं दिख रही और ना कंप्यूटर में चढ़ा है। क्या क्या किया आपने इसके लिए? इसके लिए ये आवेदन दी हूँ और तहसीलदार के यहाँ तो कई बार दे चुकी लेकिन हुआ ही नहीं आज तक। क्या मांग करती हैं? मैं ये कह रही कि मेरी ज़मीन को खोज के और नाम दर्ज किया जाए। गोहलपुर से आए मोहम्मद समीर ने भी फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के दौरान उसकी दुकान तोड़े जाने के बाद मुआवजे की मांग की। गोहलपुर पुल के पहले ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम में मेरी दुकान जा रही है और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझको पहले मुआवजा देने का उसमें प्रावधान था लेकिन बाद में मुझको लेटर आया कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लीज की ज़मीन है, लीज इसकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझको इतना पता होता तो फिर मैं। कितने फुट की दुकान है? मेरी 6 फीट की दुकान है और 6 फीट मेरी जगह जा रही है। जब पहले आपको मुआवजा मिला था उस समय कौन अधिकारी आए थे जो आपको मुआयना करेगा? इस क्या बोल रहे हैं? अब इस विषय में कोई मुझे को जानकारी नहीं है ज़्यादा, मैं सिर्फ भड़क रहा हूँ कागज। पहले क्या लिख कर आया कि चालान है? पहले लिख के आया कि मुझको मतलब 2,57,000 रुपये इसमें मुआवजा मिलेगा, फिर बाद में लेटर आया कि बोले कुल 57,000 रुपये मिलेगा, 2,00,000 रुपये आपका नहीं मिलेगा, ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर का मुआवजा मिलेगा। मकान टूटने के बाद प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की है। मेरी नानी का घर मकान गिर चुका था, कोई कार्रवाई, ये जुलाई में 7 तारीख को गिरा हुआ है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और मैं कलेक्टर महोदय जी को भी एप्लीकेशन दिया गया था बट अभी तक कोई मेरे कोई जन से फिर से आए हमारी प्लीज़ कृपया मदद कीजिए क्योंकि हमारे घर पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे जो भी सामान थे वो सब कुछ गिर चुके हैं। गंगानगर चंदन कॉलोनी में प्लॉट क्रय किए जाने संबंधी शिकायत सुनंदा साहू के द्वारा की गई। गंगानगर चंदन कॉलोनी से आई, मैंने चंदन कॉलोनी में एक प्लॉट लिया था जिसका खसरा कहीं और दिखाया गया और प्लॉट जो शो हो रहा है वो खसरा नहीं शो हो रहा है, और हम बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, बहुत जगह सब ऑफिसों के चक्कर काट चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें ये खसरा कहीं और शो हो रहा है, उसका जो प्लॉट जमीन कहीं और रजिस्ट्री कहीं और से कराई गई है। ये हमने एसपी ऑफिस में दिया है, सीएम में दिया है, और जन सुनवाई में ये दूसरी मेरी शिकायत, कुछ भी नहीं हुआ। 5 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं, थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जन सुनवाई में 160 शिकायतें दर्ज की गई हैं। टैक्स चोरी की शिकायत पर आयकर विभाग की टीम ने राजन बिल्डर के रसल चौक स्थित कार्यालय, घर एवं उनके अन्य ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि बिल्डर दिलीप मेहता के करीबियों के यहां भी आईटी की टीम ने दबिश दी है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने राजुल बिल्डर के रसल चौक स्थित कार्यालय समेत उनके घर एवं अन्य ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि कर चोरी और रिटर्न में गड़बड़ी की शिकायत पर आईटी की टीम ने ये कार्यवाही की है। बिल्डर दिलीप मेहता सीईओ और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है एवं दस्तावेजों की जाँच भी की जा रही है। छापामार कार्यवाही को भोपाल एवं जबलपुर आईटी की टीम द्वारा अंजाम दिया गया है और जांच में करोड़ों के टैक्स चोरी का गोलमाल सामने आ सकता है।
सूजीपुरा में बन रहे स्कूल भवन और सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पार्षद दूलीचंद यादव के नाम पर रखे जाने की मांग यादव महासभा के सदस्यों ने महापौर से की है। महासभा के लोगों का कहना है कि 7 बार पार्षद रहे दूलीचंद यादव ने कई सामाजिक कार्यों के लिए अपनी भूमियां दान की हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यादव महासभा के सदस्यों ने एक पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सूजीपुरा में बन रहे स्कूल एवं सामुदायिक भवन का नामकरण पूर्व पार्षद दूलीचंद यादव के नाम पर किया जाए। दूलीचंद यादव एवं उनके परिवार के सदस्य 7 बार पार्षद रह चुके हैं और समाज सेवा का लंबा कार्यकाल रहा है। बिलौनीगंज क्षेत्र में जो नवनिर्मित स्कूल है एवं सामुदायिक भवन बन रहा है, वहाँ के हम सभी की मांग है कि पूर्व पार्षद स्वर्गीय दूलीचंद यादव जी के नाम पर वो रखा जाए। उनका सामाजिक क्षेत्र में बहुत योगदान रहा, लगभग 9 बार के आसपास उनके परिवार से पार्षद रहे। उन्होंने उनका जो जनता के प्रति जो प्रेम था वो भी बहुत था। वहाँ पे लगभग जो शमशान की भूमि है, मड़ोदाल शमशान भूमि है, उन्हें दान दी थी। एक गठौंदा प्लान की जमीन है, उनको वो भी दान की दी थी। और क्षेत्र में लगभग सैकड़ों लोगों को, युवाओं को उन्हें रोजगार दिया है। इसलिए हम सभी की मांग है कि जो समाज स्कूल बन रहा है दूलीचंद यादव जी के नाम पर स्कूल रखें। माननीय महापौर के पास हम अपने सूजीपुरा मोहल्ला में स्थित नगर निगम की स्कूल है, वो नवनिर्मित हो रही है, उसके नामकरण के लिए हमने किस्मत पत्र दिया है। हमारे क्षेत्र के बड़े वरिष्ठ श्री दूलीचंद जी यादव थे, वो करीब 7 बार अपने नगर निगम का थे। उनके 2 बच्चे भी बाद में पार्षद बने। तो हम चाहते हैं, हम सब लोग क्षेत्रीय नागरिक वहाँ के चाहते हैं कि उस पूरी परिषद का नाम उनकी स्मृति पे रखा जाए। यादव महासभा के सदस्यों का कहना है कि माणोताल शमशान घाट के लिए भूमि दान करने वाले पूर्व पार्षद दूलीचंद यादव द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्य आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। LLB पाठ्यक्रम में पुनः मूल्यांकन और एटीकेटी सिस्टम समाप्त किए जाने के निर्णय से खफा लॉ स्टूडेंट्स ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सरकार के इस निर्णय से लाखों छात्रों का नुकसान हो रहा है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि LLB के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। LLB के पाठ्यक्रम में पुनः मूल्यांकन और एटीकेटी सिस्टम समाप्त कर स्टूडेंट्स का शैक्षणिक नुकसान किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिनियम में LLB के छात्रों के लिए ना पुनः मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं, ना सुपर एटीकेटी की व्यवस्थाएं हैं, और जो एटीकेटी होती भी है उस एटीकेटी की परीक्षा वो 1 साल के बाद लेते हैं। ये जो नीति बनाई गई है ये पूरे तरीके से छात्र विरोधी नीति है। इस छात्र विरोधी नीति के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिनकी LLB बीच से ही रुक जाती है। इस मामले को लेकर लगातार महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 1 साल से माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुका है, विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन दे चुका है, कुलसचिव को ज्ञापन दे चुका है। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस परिवार और कार्यालय स्टाफ के द्वारा प्रथम पूज्य आराध्य भगवान गणेश की स्थापना की गई थी। मंगलवार को पुलिस परिवार द्वारा कार्यालय परिसर में भगवान श्री गणेश का पूजन हवन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार सहित शामिल हुए और पूर्ण लाभ अर्जित किया। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में भी भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई। मंगलवार को पुलिस परिवार द्वारा भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान हवन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार सहित शामिल हुए। भंडारे में सभी ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। नारायणं
हमारे पुलिस परिवार की तरफ से जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनकी तरफ से जो निर्देशन प्राप्त हुआ था, तो हमारे पुलिस कार्यालय में भी जो है गणेश जी को विराजित किया गया था। आज उसी का हवन और पूजन और भंडारा रखा गया था। गणेश जी जो है वो बुद्धि के देवता माने जाते हैं और उसकी आवश्यकता सभी को होती है, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों ने बड़ी भक्तिभाव से जो है आज उनका हवन पूजन किया है और जो भंडारा रखा गया है उसमें आप सभी लोग भी सम्मिलित हों और भगवान गणेश की सभी पर कृपा बने रहे इसी विश्वास के साथ। गणेश उत्सव पर्व पर पुलिस परिवार द्वारा प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रथम पूज्य आराध्य भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया गया। गणेश उत्सव के अवसर पर शहर के विभिन्न इलाकों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में उखरी समेत अन्य क्षेत्रों में गणेश पंडालों में महाआरती आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की आराधना के पर्व पर शहर की गणेश समितियों द्वारा महाआरती समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उखरी यादव कॉलोनी स्थित श्री गणेश उत्सव समिति के द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। समिति के द्वारा पिछले 27 वर्षों से गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह विघ्न 27 वर्षों से गणेश जी रखा जा रहा है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं जो सबके विघ्न हरते हैं और सब पूरे मोहल्ले कॉलोनी वालों के सबके विघ्न हरते हुए और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या संदेश देते हैं महाआरती? महाआरती में सब लोग मिलजुल कर एक एकता का प्रतीक होता है। यहाँ पे एकता के प्रतीक में सबका सार्वजनिक कार्य पर सबका सार्वजनिक रूप पर सहयोग रहता है इसमें। पंचक लगने की वजह से कई भक्तों ने हवन पूजन कर गजानन की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया। भटोली स्थित विसर्जन कुंड में मूर्ति लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि घरों में विराजे गणपति को कई लोगों ने विसर्जित किया, वहीं कुंड में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने पर भी लोगों में रोष देखा गया। पंचक लगने के कारण कई लोगों ने हवन पूजन कर गणेश प्रतिमा को अपने स्थान से हिला दिया, वहीं कुछ लोगों ने भटोली स्थित विसर्जन कुंड पहुंचकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया। पंचक के पहले यहाँ लोग स्नान करेंगे और गणेश जी का जो है पूजा पाठ करके खिड़का देंगे, फिर अपने हिसाब से विसर्जन करते रहेंगे। ये है नर्मदा जी में और जो कुछ दान पुण्य करना है आज शाम के यानी पंचक लगने के पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं है। उसके बाद देना बेकार होता है, हिंदू धर्म ये चीज़ें नहीं हैं। नर्मदा जी का दर्शन पूजन करने आए थे स्नान दान वगैरह, तो पता लगा कि शाम को पंचक शुरू हो रहे हैं, तो उसके पहले हवन पूजन वगैरह भी करना चाहिए। वहीं घरों में स्थापित मूर्तियों को कुंड में विसर्जित करने का भी क्रम आरंभ हो गया है। वहीं कुंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर भी शहरवासियों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर साफ सफाई का अभाव है। यहाँ व्यवस्थाएं तो वैसे कुछ खास नहीं है, और भी जो पुराना जो भी यानी गणेश जी के जो कचरा अवशेष पड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई खास व्यवस्था नहीं है। अभी बड़े गणेश जी आना है यहाँ पर, और यहाँ क्रेन रेन की कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका ही यानी व्यवस्था की जाए, मतलब सरकार आज से आना गणेश जी शुरू हुआ है। अभी तो भीड़ भाड़ होगी और भी मतलब होगा, तो यहाँ व्यवस्था सही तरीके से होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पुराने भी गणेश जी की मूर्तियाँ पड़ी हुई है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है कि अभी बड़े बड़े गणेश जी का भी यहाँ पर विसर्जन होगा, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो यहाँ व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जल्द से जल्द। और क्रेन वगैरह की व्यवस्था? यहाँ क्रेन की भी व्यवस्था नहीं है, सारी चीज़ें अभी नहीं है इधर अवेलेबल। पुरानी मूर्तियों के अवशेष भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, अभी वो हटे नहीं है यहाँ से, और कुंड भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। शहरवासियों ने विसर्जन कुंड की सफाई करने और उचित व्यवस्थाएं किए जाने की मांग की है। गणेश विसर्जन मुहूर्त और पंचक को लेकर फैली भ्रांति को दूर करते हुए ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि शास्त्रों एवं पुराणों में पंचक और गणपति विसर्जन का सीधा संबंध नहीं बताया गया है, लेकिन पंचक 26 सितंबर को सायंकाल 6:24 से आरंभ होकर 30 सितंबर तक रहेगा।
हालांकि इस दौरान हवन पूजन किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रोहित दुबे ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं में भी पंचक एवं गणेश विसर्जन की चर्चा नहीं है। 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी को ही गणेश विसर्जन किया जा सकता है। यह भाद्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और भगवान गणेश के पूजन की विशेष प्रधानता है, लेकिन कई कई बार प्रश्न यह भी उठता है कि पंचक और गणेश जी का क्या संबंध है। तो सबसे पहली भ्रांति तो यह दूर करना चाहता हूँ कि गणेश विसर्जन और पंचक का कोई संबंध धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं है। लेकिन 26 सितंबर को सायंकाल 6:24 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 30 सितंबर को रात 11:41 तक रहेंगे। और भगवान गणेश का जो विसर्जन का क्रम है वह अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया गया है। 28 सितंबर गुरुवार प्रातःकाल से ही गणेश विसर्जन का क्रम प्रारंभ हो जाएगा और उसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। तो ऐसे समय भगवान गणेश के विसर्जन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पंचक संबंधी नहीं है, अतः इस भ्रांति से दूर रहते हुए आप हवनादि कार्य, मूर्ति विसर्जन के कार्य यथावत कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।